इस वीडियो में बात करेंगे कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को इनक्रिप्ट या इनक्रिप्शन कैसे करते हैं और ये क्या होती है, इसका क्या यूज होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। इनक्रिप्शन के बारे में डिटेल से और साधारण भाषा में बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो डाटा इम्पोर्टेंट है उसे हमने इनक्रिप्शन या इनक्रिप्ट कर दिया तो कोई भी हमारे डाटा को हमारे पीछे या चोरी से कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर या सिस्टम में यूज करने की कोशिश करेगा तो या एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उस कंप्यूटर में ये एक्सेस नहीं होगा। जैसे ही वह उस फाइल को खोलने की कोशिश करेगा तो वहां पर वह फाइल खुलेगी भी नहीं और एरर आ जाएगा। ऐसा कैसे होता है इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर को इनक्रिप्ट कर दिया तो कंप्यूटर उस फाइल को डिजिटल कोड में कन्वर्ट कर देता है जिसके कारण उस भाषा को वही कंप्यूटर समझ पाता है और दूसरा नहीं। इसका यूज अधिकतर बैंकों में होता है, इस कारण बैंकों में पेमेंट सिक्योर रहता है और वह पेमेंट को कोडिंग में कन्वर्ट कर देता है तो बैंक ही समझ पाता है दूसरा नहीं। इसका प्रयोग अपने कंप्यूटर में करना चाहते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर एडवांस पर क्लिक करके जो ये इनक्रिप्ट कंटेंट टू स्टोर डाटा पर क्लिक करके ओके और अप्लाई करके ओके कर देना है। इसके बाद आपकी फाइल एंड फोल्डर इनक्रिप्ट हो जाएगी। इसका प्रयोग इस फाइल एंड फोल्डर को कोई भी आपकी बिना परमिशन दूसरे कंप्यूटर में खोलने की कोशिश करेगा इस तरह एरर आ जाएगा। तो कि जिस कंप्यूटर में बिटलॉकर होता है उसी में इनक्रिप्ट का ऑप्शन काम करता है। दोस्तों इसे खोलना इतना आसान नहीं है, जब तक ये डिक्रिप्ट नहीं होती तब तक आपकी फाइल एक्सेस नहीं हो सकती। इसके बाद आपको कभी इसे भविष्य में हटाने की आवश्यकता पड़ती है तो आप उसी फाइल एंड फोल्डर पर जाकर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर एडवांस में जाकर इनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डाटा पर क्लिक हटा देना है, फिर ओके अप्लाई ओके करके ओके कर देना है। इससे आपकी फाइल एंड फोल्डर डिक्रिप्ट हो जाएगी और वह दूसरे कंप्यूटर में शो भी होने लग जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।